हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक हमने पढ़ा, सबसे पहले बायोलॉजी का बेसिक पढ़ा था, उसके बाद में दो टॉपिक कवर किए। एक तो हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा इस चीज़ को। हमने एक चीज़ पढ़ी थी सबसे पहले, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम होता क्या चीज़ है, तो संसार के सभी जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। हमने पढ़ा बेसिकली जिंदा रहने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जरूरत होती है पोषण की यानी न्यूट्रिशन की, दूसरी जरूरत होती है श्वसन यानी रेस्पायरेशन की, तीसरी जरूरत होती है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की, और अंतिम जरूरत होती है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की। ठीक है, तो जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होगी, पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रेस्पायरेशन, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इन चारों चीज़ों में पोषण का मतलब खाना पीना, श्वसन का मतलब सांस लेना, वहन का मतलब होता है हमने जो भी खाना पीना किया है और जो सांस के दौरान ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया है, इन दोनों को पूरी बॉडी में सप्लाई करना कहलाता है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और जैव प्रक्रम का अंतिम चरण होता है उत्सर्जन, यानी शरीर से गंदे या फालतू पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाएगी। हमने पढ़ा था हमारे शरीर में पोषण का तो काम करेगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन का जितना भी काम है, खाने पीने से रिलेटेड जो भी काम है, उसके ऊपर हमारे शरीर में कौन सा अंग तंत्र काम करता है, तो ये काम करेगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा हमने पढ़ा श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और श्वसन के ऊपर हमारे शरीर में काम करता है श्वसन तंत्र यानी हमारे शरीर का रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमने अभी तक पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज के अंदर। तीसरा यहाँ प्रचरण होता है, तीसरा लेवल जैव प्रक्रम का होता है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली हम मतलब हमने पढ़ा क्या है, हम जो भी खाना पीना करेंगे यानी जो भी पौष्टिक पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, और श्वसन यानी सांस जो लेंगे, सांस के दौरान ली गई सभी गैसों में, और पोषण यानी खाने पीने के दौरान जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करने की प्रक्रिया कहलाती है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और एक सिंपल सा पॉइंट है, इन सभी चीज़ों को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम करता है रक्त यानी हमारा खून। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम यानी वहन का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो खून के द्वारा। यानी हम जितने भी पौष्टिक पदार्थ यूज करेंगे और जितनी भी जो ऑक्सीजन वगैरह या जो भी चीज़ें हमारे लिए बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम करेगा रक्त। तो आज हम पढ़ेंगे इस रक्त के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आता है, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी इन्वेंशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी मान लीजिएगा, हम खून के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो खून का एक बेसिक पॉइंट आता है भी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों को छोड़ दीजिएगा एक बार, क्योंकि पेड़ पौधों में खून नहीं होता, उनकी जगह ऊतक काम करते हैं, टिश्यू काम करते हैं, जाइलम फ्लोएम में वगैरह जो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों में। तो मनुष्य के अंदर या कोई भी जीव जंतु है, पहला पॉइंट है भी संसार में जितने भी जीव जंतु है, हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था संसार में जीव जंतुओं की 20 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। अब संसार में जितने भी जीव होंगे, कॉमन सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन का काम सभी जीवों के अंदर होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सभी जीवों में खून। अभी पॉइंट ये बनता है, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, खून सभी जीवों के अंदर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है भी, खून सभी जीवों में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत, वहन की ज़रूरत सभी जीव जंतुओं के अंदर होती है। अब ये खून सभी जीवों में होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है सभी जीवों में खून पाया जाता है। कई बार हमारे दिमाग में चलता है, मान लीजिएगा कोई भी ततैया हो, ठीक है, कोई भी जिस तरह केंचुआ वगैरह इस टाइप का कोई भी जीव है, मान लीजिएगा उसको हमने मार दिया, जब उसको मारेंगे तो उसके शरीर से पानी सा यानी पानी जैसा द्रव पदार्थ बाहर निकलेगा। इन रियलिटी हम सोचते हैं भी ये पानी है, लेकिन रियलिटी में वो उसका खून ही होता है, लेकिन उसका रंग लाल नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, खून सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है,
लेकिन खून का रंग लाल हो ये कोई कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। खून सभी जीव जंतुओं में मिलेगा, लेकिन लाल रंग का खून हो ये कोई जरूरी नहीं है, खून सभी के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो पहला बेसिक पॉइंट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। खून सभी जीवों में होता है या नहीं होता? तो खून सभी जीवधारियों में पाया जाता है, ठीक है। अभी खून होता कितना है? अगर हम मनुष्य का जिक्र करें तो हमारे शरीर का जितना भी वजन है उस वजन का 7% हमारे अंदर खून पाया जाता है, ठीक है। मान लीजिएगा किसी इंसान का वजन है 60 किलोग्राम, ठीक है। 60 किलोग्राम का 7% कितना होगा? तो 4.2 अप्रोक्सीमेट इतना लीटर में, ठीक है, क्योंकि खून है लीटर के अंदर मापेंगे। तो मनुष्य के शरीर के कुल वजन का कितने प्रतिशत उसमें खून पाया जाता है? तो 7% उसमें खून मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम गाय भैंस का जिक्र करें तो उसमें कुल शरीर के वजन का 7.7% खून पाया जाता है। कुत्ते के अंदर शरीर के कुल वजन का 5.5% खून पाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में इसकी जो मात्रा है वो वजन के हिसाब से थोड़ी वेरी कर सकती है। मनुष्य का अगर जिक्र करें तो मनुष्य में शरीर के कुल वजन का 7% खून मिलेगा, ठीक है। अगर हम जिक्र करें सामान्य मनुष्य का, सामान्य पुरुष के अंदर, सामान्य पुरुष में लगभग खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर हम महिला का जिक्र करें, लेडीज़ का, तो महिला में पुरुष की तुलना में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर खून कम होता है, ठीक है। तो सामान्य पुरुष में खून की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर, और महिला के अंदर खून की मात्रा होती है सामान्य पुरुष की खून की मात्रा के कंपैरिजन में 700 से 800 मिलीलीटर खून कम होता है, ठीक है। देखिएगा हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन भी महिलाओं में कम होता है। इसका बेसिकली कारण क्या होता है? नॉर्मली जब तक लड़के या लड़की की उम्र है 11 से 12 साल, यानी मान लीजिएगा कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की उम्र जब 11 से 12 साल तक की होती है तब उन दोनों के अंदर खून की मात्रा भी बराबर होती है और उन दोनों के अंदर लगभग हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बराबर होती है। लेकिन 11 से 12 साल की उम्र के बाद में जैसे ही वो मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे लड़के के अंदर खून नॉर्मल चलता जाएगा, लेकिन लड़की के अंदर खून की मात्रा है वो लड़के के कंपेरिजन में कम होती है। उसका बेसिकली कारण ये होता है, 11 से 12 साल की उम्र में लड़की के अंदर रजोधर्म चक्कर स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, लड़की में मेंसेस आने स्टार्ट होते हैं। उस रजोधर्म चक्र के अंदर वो लगभग 28 दिन के आसपास होता है, 28 दिन का रजोधर्म चक्र है। उस रजोधर्म चक्र में उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके गर्भ की जो परत है वो बाहर आती है जो कोई यूज़ की ना हो, उसके अंदर जो मेंसेस होगी उस टाइम पर जो ब्लीडिंग होगी उसके कारण उसमें खून की मात्रा भी कम होती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर खून कम होता है। जब तक बच्चे की उम्र 11 से 12 साल की है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उस कंडीशन में उस दोनों के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खून की मात्रा भी बराबर मिलेगी और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बराबर मिलेगी, ठीक है। तो खून का ये हमने अमाउंट पढ़ा, शरीर के कुल वजन का 7% हमारे अंदर खून होता है, सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर खून होता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना से 700 से 800 मिलीलीटर खून कम होता है। उसके बाद में पॉइंट आता है, ये जो खून है खून का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। तो खून का अध्ययन कहलाएगा हीमेटोलॉजी। खून का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है, खून का अध्ययन हीमेटोलॉजी। एक पॉइंट आता है खून का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा? तो खून का उत्पादन कहलाएगा हीमोपोइसिस। खून का उत्पादन क्या कहलाता है? तो खून का उत्पादन कहलाएगा हीमोपोइसिस, ठीक है। तो ये खून के बारे में बेसिक है। दोबारा सुनिएगा इस चीज़ को, हमने पढ़ा जैव प्रक्रम के कुल 4 चरण हैं। जैव प्रक्रम का जो 3रा चरण होता है वह यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में करेगा खून। हमने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई? तो विलियम हार्वे के द्वारा। सामान्य मनुष्य के अंदर खून होता कितना है? तो शरीर का जितना भी वजन है यानी बॉडी वेट का 7% उसमें खून पाया जाता है। सामान्य पुरुष में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 700 से 800 मिलीलीटर खून कम होता है। उसके बाद में खून का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खून का अध्ययन कहलाएगा हीमेटोलॉजी। और खून का उत्पादन क्या कहलाता है यानी खून के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी हीमोपोइसिस, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी होता है खून का अध्ययन और हीमोपोइसिस होता है खून का उत्पादन। तो ये खून के बारे में बेसिक था। आगे हम स्टडी करेंगे ये जो खून है खून बनता किससे है, खून किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और खून हमारे शरीर में कैसे काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम खून के बारे में देखें, हमारा रक्त यानी ब्लड, तो खून बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है, ठीक है। खून के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, खून के अंदर सबसे पहली चीज़ पाई जाती है प्लाज्मा, और दूसरा होता है खून में रुधिर कोशिकाएँ। रुधिर कोशिकाएँ या फिर रुधिर कणिकाएँ एक ही बात है, रुधिर कोशिका यानी ब्लड सेल्स। तो खून हमारा इन दो चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा से और रुधिर कोशिकाओं से। हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55%, ये आसपास होता है 50 प्लस माइनस 10%, ठीक है।
ये सभी जीवधारियों का क्राइटेरिया है। अगर मनुष्य का पूछे तो मनुष्य में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%, और बाकी सभी जीवों के अंदर अगर हम प्लाज्मा की मात्रा देखें उनके खून के अंदर तो 50 ± 10%, यानी 40% से लेके 60% के बीच में वैरी करेगा। यानी जीवों के अंदर प्लाज्मा की कम से कम मात्रा कुल खून का 40% होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा की मात्रा जीवधारियों में कुल खून का 60% हो सकती है। ठीक है, मनुष्य का अगर जिक्र करें तो मनुष्य में प्लाज्मा की मात्रा कुल खून का लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो 55%। और ये जो रुधिर कोशिकाएं होंगी ये बचेंगी बाकी 45%। ठीक है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा जो खून है वो 55% प्लाज्मा का बना हुआ है और 45% किसका बना हुआ है, ये तो रुधिर कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, तो ये खून का निर्माण अभी खून के अंदर होता क्या है, तो 55% प्लाज्मा और 45% रुधिर कोशिकाएं। अब ये जो रुधिर कोशिकाएं होंगी बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी होती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स। तो रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की हैं, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, WBC यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो ये रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की हैं। इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं RBC। अगर हम RBC का, WBC का और प्लेटलेट्स का अनुपात देखें तो इनका अनुपात होता है 600:1:40। यानी हमारे खून में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, तो 600:1:40। यानी 600 RBC के पीछे एक WBC मिलेगी और 40 आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे। कहने का मतलब हमारे खून में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका तो कौन सी होती है, RBC, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है WBC। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद में पॉइंट आता है ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा हमारे शरीर में खून में पाया जाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये प्लाज्मा हमारे शरीर में काम क्या करेगा, तो वो सुनो। बेसिकली अगर एक बात देखें, प्लाज्मा के अंदर 90% होते हैं द्रव पदार्थ, यानी लिक्विड सब्सटेंस। तो प्लाज्मा के अंदर द्रव पदार्थों की मात्रा होती है 90%, और बाकी प्लाज्मा के अंदर 10% आपको मिलेंगे ठोस पदार्थ। ठीक है, तो ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है। प्लाज्मा में 90% द्रव पदार्थ पाए जाते हैं और प्लाज्मा में 10% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम इन ठोस पदार्थों का जिक्र करें तो ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर लगभग 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। 1% प्लाज्मा के अंदर होता है लगभग इलेक्ट्रोलाइट। प्लाज्मा में जो 10% ठोस पदार्थ है, 10% ठोस पदार्थों में 7 से 8% होता है प्रोटीन, 1% होता है इलेक्ट्रोलाइट, और बाकी जो 1% बचेगा उसमें विटामिन हो सकते हैं, उसमें मिनरल्स हो सकते हैं, उसमें आयन वगैरह हो सकता है, उसमें ग्लूकोज वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कहने का मतलब प्लाज्मा में 90% द्रव पदार्थ मिलेंगे, यानी लगभग ये द्रव पदार्थ ही होता है। प्लाज्मा में 10% ठोस पदार्थ मिलेंगे, 10% ठोस पदार्थों में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, और प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग होता है 7 से 8%। उसके बाद में 8% प्रोटीन के बाद में 1% इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, और बाकी 1% में इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयन्स या ग्लूकोज वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में इस प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें, प्लाज्मा के अंदर जो 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते कौन से, तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्लाज्मा में सबसे पहला या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, कहने का मतलब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन का हम नॉर्मली देखें तो मान लीजिएगा, हम नॉर्मली इस चीज़ को देखते हैं, अंडा है, अंडे के बीच में भाग होता है, अंडे के बीच में होता है येलो कलर का भाग, येलो, और अंडे का जो ये वाला भाग होता है, ये होता है वाइट कलर का, यानी सफ़ेद रंग का। अंडे का जो पीले रंग का भाग होता है उसको तो हम बोलते हैं योक, वाई से बनेगा येलो और वाई से बनेगा योक। यानी अंडे के पीले रंग का भाग क्या कहलाता है, तो योक कहलाएगा, और अंडे का जो सफ़ेद रंग का भाग होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये जो पीले रंग का भाग होता है जिसको हम योक बोलते हैं, इसमें तो वसा की अधिकता होती है, यानी फैट परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है, और जो सफ़ेद रंग का भाग एल्ब्यूमिन है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी प्रोटीन इसमें मेजोरिटी से होता है। कहने का मतलब हमने पढ़ा, अंडे का जो सफ़ेद रंग का भाग होगा उसको हम एल्ब्यूमिन बोलेंगे, और उसमें किस चीज़ की दिक्कत होती है, प्रोटीन, यानी एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। उसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है ग्लोबुलिन। वैसे ग्लोबुलिन तीन प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ये हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर ग्लोबुलिन। तीसरे नंबर पर पाया जाता है इसमें फाइब्रिनोजन।
तीसरे नंबर पर होता है इसमें फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये तीन प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। दोबारा समझिएगा, प्लाज्मा को हमने क्या पढ़ा, कुल खून के अंदर 55% प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा में 90% द्रव पदार्थ होंगे और बाकी 10% ठोस पदार्थ होंगे। इन 10% ठोस पदार्थों में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन 7 से 8%, 1% मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट और बाकी 1% मिलेगा आपको विटामिन, मिनरल्स, आयन या फिर ग्लूकोज वगैरह, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मा में जो 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिन। कुल प्रोटीन का 65% के आसपास भाग एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। दूसरे नंबर पर होता है ग्लोबुलिन, लगभग 25 से 27% के बीच में, ठीक है। और तीसरा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रोटीन और भी होते हैं इसके अंदर, तीन ये मुख्य प्रकार के। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, ये जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, यानी लाइट येलो कलर होता है इसका। और प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता किसके कारण है, तो ये होता है कैरोटीन एंजाइम की उपस्थिति के कारण, ठीक है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन एंजाइम की उपस्थिति के कारण। इस कैरोटीन के बारे में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम ये पढ़ चुके हैं अभी, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। एक क्वेश्चन आता है, गाय का जो दूध है, गाय के दूध का रंग भी हल्का पीला होता है और ये भी कैरोटीन के कारण होता है। एक आता है, जो गाजर का बीज का भाग है उसका रंग भी हल्का पीला होता है और वो भी किसके कारण होता है, तो वो भी कैरोटीन के कारण होता है। तीसरा, खीस या कोलेस्ट्रॉम का रंग भी कैसा होता है, तो ये भी हल्का पीला होता है और ये भी किसके कारण होता है, कैरोटीन एंजाइम के कारण। खीस या कोलेस्ट्रॉम होता क्या चीज़ है, गाय या भैंस ब्याने के बाद में उनके जो पहले 2-3 दिन का दूध होता है उसको हम बोलते हैं खीस या कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, जिसके अंदर एंटीबॉडी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा के बारे में ओवरऑल। अब इस प्लाज्मा को पूरा सुनिएगा। हमने पढ़ा हमारा खून किससे बना है, तो 55% प्लाज्मा से बना है और 45% रुधिर कोशिकाओं से बना है। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं RBC और सबसे कम पाई जाती हैं WBC। हमारे खून में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, तो हमारे खून में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात होता है 600:1:40। उसके बाद में हमने पढ़ा सभी जीवधारियों में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 50 ± 10% के आसपास होती है, यानी सभी जीवधारियों में प्लाज्मा की कम से कम मात्रा 40% और ज़्यादा से ज़्यादा ये 60% तक हो सकती है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्लाज्मा में 90% द्रव पदार्थ पाए जाते हैं और बाकी 10% इसमें ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो 10% ठोस पदार्थ हैं, इन 10% ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 7 से 8%। 1% इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और बाकी 1% इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयन, ग्लूकोज, एंजाइम, हार्मोन वगैरह बाकी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा प्लाज्मा में जो 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं, इन प्रोटीनों में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिन। दूसरे नंबर पर होता है ग्लोबुलिन, जो तीन प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है इसमें फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन आपने सुना होगा, एंटी क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनने में काम करता है, ये खून का थक्का बनाने का काम, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद में हमने पढ़ा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला, और प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन एंजाइम के कारण। उसके बाद में हमने इसके फर्दर तीन क्वेश्चन और पढ़े, गाय के दूध का रंग, गाजर के बीज के भाग का रंग और खीस या कोलेस्ट्रॉम का रंग, इन तीनों का रंग भी हल्का पीला होता है और इन तीनों का हल्का पीला रंग भी किसके कारण होता है, तो कैरोटीन एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है, प्लाज्मा का रंग कैसा है, इसमें क्या कुछ पाया जाता है, हमारे खून में प्लाज्मा कितना होता है। तो लास्ट में बात आती है, ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारे शरीर में काम क्या करेगा, ठीक है। तो एक बात हमने पढ़ी भी, जो खून है बेसिकली हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, चाहे पौष्टिक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पानी यानी पानी पौष्टिक पदार्थों में आएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हार्मोनों का, एंजाइमों का, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो हम पौष्टिक पदार्थ खाएंगे पोषण के दौरान, यानी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, पौष्टिक पदार्थों की पूरी बॉडी में सप्लाई, ठीक है, पूरे शरीर में इनकी सप्लाई का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम करेगा प्लाज्मा। यानी हमारे पूरे शरीर में
पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई किसके माध्यम से की जाती है? तो ये की जाती है प्लाज्मा के माध्यम से, ठीक है। तो हमारे पूरे शरीर में पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई करेगा प्लाज्मा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये। उसके बाद में देखो, प्लाज्मा के बाद में हमने जो एक बेसिक पढ़ा भी, हमारे खून में तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु, ठीक है। तो इनमें देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, हमने एक बात पढ़ ली थी, इन तीनों का अनुपात कितना होता है? 600:1:40, ये तीनों का अनुपात है। अभी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके, ये अनुपात है संख्या के हिसाब से और आकार के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आकार यानी साइज के हिसाब से, संख्या यानी नंबर के हिसाब से। संख्या कॉमन सी बात है, आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट्स दूसरे नंबर पर 40 और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। यानी संख्या में आरबीसी सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर होता है प्लेटलेट्स और सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये तो है संख्या के हिसाब से, यानी खून के अंदर जो तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा आरबीसी मिलेगी, फिर प्लेटलेट्स मिलेगा और फिर डब्ल्यूबीसी मिलेगी। आकार के हिसाब से देखें तो आकार में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में दूसरे नंबर पर होती है प्लेटलेट्स और तीसरे नंबर पर होती है आरबीसी, ठीक है। थोड़ा इस हिसाब से ध्यान में रखना है, बीच वाला बीच में रहेगा, बाकी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो संख्या के हिसाब से देखें तो जो तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हैं, ये जो तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हैं, इन तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाओं में संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी आरबीसी की, फिर मिलेगी प्लेटलेट्स की और फिर मिलेगी डब्ल्यूबीसी की। अगर आकार के हिसाब से देखें तो इन तीनों में सबसे बड़ा आकार होता है डब्ल्यूबीसी का, दूसरे नंबर पर आकार होता है प्लेटलेट्स का और सबसे छोटा आकार किसका होता है? आरबीसी का। आरबीसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आरबीसी का आकार रुधिर कोशिकाओं में सबसे छोटा होता है। आरबीसी एक प्रकार की कोशिका होती है, इसका आकार इतना छोटा होता है कि ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी, यानी स्मॉलेस्ट सेल, सूक्ष्मतम कोशिका, ठीक है। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। सबसे बड़ी का आपको पता ही है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो हमारे पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से काम करेगा, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या और आकार के आधार पर उनके टाइप है, ठीक है। तो संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी कौन सी होती है? आरबीसी। उसके बाद में फिर हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, तो अब का इतना। उसके बाद में हम आरबीसी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और ये प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है।